पेयजल विभाग झारखंड सरकार के द्वारा करोड़ रुपए की लागत से जल मीनार तो बना दिया गया, लेकिन कभी भी सुचारू रूप से जल की आपूर्ति नहीं की गई। साथ ही कई क्षेत्रों में चापाकल या अन्य संसाधन नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुजू पकरिया टोला में ग्रामीणों के पेयजल के लिए एकमात्र कुआं है, वह भी गर्मी के दिनों में सूख जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एकमात्र कुआं है जो कि सूख जाता है, तो काफी दूर कॉलोनी से पानी लाकर पानी पीते हैं। इस संबंध में पंचायत के मुखिया जय कुमार ओझा ने बताया कि पंचायत में जल की समस्या को लेकर कई बार विभाग के लोगों को अवगत कराया गया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। विशेषकर पकरिया टोला के लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे, जहां पेयजल विभाग से जल मीनार की मांग की गई है। यहाँ हम लोग का पानी का बहुत समस्या है। यहाँ पे चूहा हम लोग का, उसी से हम लोग पानी पीते हैं वाला सुझा को, और यहाँ बहुत ही पानी का दिक्कत है। वो भी गर्मी में सूख जाता है। वो दूर से यहाँ से जाते हैं वहाँ पुराना कॉलोनी, उससे पानी हम लोग लेकर आते हैं, तभी जा करके हम लोग पानी पी पाते हैं। क्या नाम है? किरण देवी। जो है ना, मुखिया जी के माध्यम जानकारी मिली, और मुखिया जी के साथ हम आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर जो बस्ती है, आदिवासी बस्ती है, और जो है ना कि कुछ हमारे और गरीब तबके के लोग भी यहाँ रहते हैं। इनके द्वारा, महिलाओं के द्वारा बताया गया कि पानी का समस्या है, तो हम लोग इस पर जो है ना कि मैंने मुखिया जी से कहा है ये ग्राम सभा करा लीजिए। ग्राम सभा में हमको ये भी चाहिए कि आप जो है ना कि जल मीनार बनेगा उसका जो है ना स्थल चयनित करना होगा, ताकि जब हम लोग का स्वीकृति मिले तो काम करने में किस तरह की विलम्ब ना हो। पीएचडी विभाग के जो पदाधिकारी लोग हैं वो हमारे पंचायत में आए थे, बार बार कंप्लेन करने के बाद हमें आवेदन भी दिया गया। पहला नंबर तो जो शिवपुरी में जो करोड़ों की लागत से जो पानी टंकी बनी है, ये पिछले चार वर्षों से कभी भी सुचारू रूप से पानी नहीं दिया पब्लिक को। ग्रामीण तीनों पंचायत के